हाँ तो देखिए भैया, ये दिपुलगंज में कौन सा जगह है? कुलडोमरी। कुलडोमरी ना। और देखिए सामान इतना ज्यादा रखा है, गद्दा फद्दा है, कि सांप जो दिख गया, हम लोगों ने सबने देखा कि सांप इसके नीचे भागा है, तो निकालने में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गद्दा का भार की वजह से इसको उठाया भी नहीं जा सकता। जब तक एक एक गद्दा हटा के ना देखा जाए तभी मिल पाएगा। तब देखिए अब वही हम लोग हटाते हैं। इधर इधर लाम तो दिखाएं। ये थोड़ा सा हल्का हो जाए तो हम उठा के पकड़ लेंगे, हल्का कर दे इसको बस। टेंट का है ना पूरा सामान? कौन सा टेंट है? मदेसिया टेंट हाउस। कौन सा? मदेसिया टेंट हाउस। देखिए आपके घर में इतना बिल है, आंगन से लेके सब ईटा तो नया बना है, अगर वो पैक रहता है ईटा तो इधर नहीं आ पाता, तो छेद जो छोड़ दिया गया है उसी के चक्कर में सांप यहाँ आके बैठ गया है। बस देखो आ गया है उसका लास्ट का गार्ड। अब भागने की कोशिश करेगा। तुम वहाँ वहाँ चलो, तुम टेंशन मत लो, तुम वहाँ खड़े रहो। अब देखिए हो गया पूरा गद्दा वद्दा जो है हटा दिए हैं। अब इस जो है इसके नीचे सांप है। पुलिस ये देखिए सांप, हाय देखा कूद रहा है। काटे वाला ना 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 काटता बहुत है, बस ये कि जहरीला नहीं। देख रहे हैं ना तो ना देखिए ये कम से कम 7-8 फीट का होगा। कलर कैसा है? काला पूरा। तो देखिए हमारा सबको यही समझाना है कि हर सांप जहरीला नहीं है। अब किसको कहते हैं धामेन, असड़िया यहाँ के भाषा में कहते हैं असड़िया। ये 8-8, 9-9 फीट तक हो जाता है, मगर जहरीला नहीं, मगर काटता बहुत है। इसके मुंह में कम से कम 100-200 दांत होगा। बच्चे लोग का है बड़ा इंटरेस्ट है। और देखो बच्चे हो जो भी लंच के टाइम स्कूल में घास वास ग्राउंड में बैठने मत जाना, क्योंकि घास बड़ी बड़ी हो गई है, उसमें कीड़े मकोड़े सब चीज निकल रहे हैं। लंच के टाइम खेलने के टाइम घास में मत जाना। देखिए कितना बड़ा बीज उसका। ना ना ये सब अंधविश्वास है, ये देख रहे हैं ना कितना लंबाई लंबा है जी। अरे हमसे लंबा है, बहुत लंबा है, तो देखिए लंबे होने से नहीं। यहाँ एक पाया जाता है जाड़ा सांप, जिसको आप लोग रसल वाइपर के नाम से जानते हैं। रसल वाइपर सुने उन्होंने गोल पीठ बना रहता है। और एक तो होता है कोबरा नाग, एक दिन यही पकड़े थे ना कोबरा है, बहुत एक दो साल पहले इसी वाला पीछे फन वाला था वो। और एक तो क्या है, तीन सांप है जहरीले, कोबरा रसल वाइपर और करैत। बाकी है धामिन, पानी वाला, दुमुहा, पेड़ वाला, बहुत सारे सांप है जो नॉर्मल है। और आपका घर क्या डेम से सटा है क्या? पीछे पानी वाली खेत, पीछे पानी है। हाँ तो देखिए डेम हो या नाला हो, तो नाले के पास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ वहाँ पे जितने भी कीड़े मकोड़े मेढक छिपकली उन्हीं के चक्कर में सब रहते हैं। इधर से देखो यार बैठ के लो, यहाँ से दिखाओ उसका मुँह, तो देखिए कैसे जीव लपलपा। हाँ तो वो अब हम लोग को भाप रहा है, जीव से भाप रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तेरे नियो क्या रखे?
लक्ष्मी का बोरा दे दो देखो। तो देखिए मैं यही कहता हूँ कि देखिए प्रकृति में जो चीज बना है हर चीज तो हमारे खतरे के लिए तो बना नहीं है, हम लोग को आइडिया नहीं है कि खतरा है कि नहीं है। अब ये सांप ही इतना लंबा है, मगर ये कोई खतरनाक सांप नहीं है, बस लंबा होने की वजह से एक डर बैठ जाता है कि भाई बहुत बड़ा सांप है तो जहरीला हो। तो इसको धामिन, घोड़ा पछाड़, असड़िया, रैट, इसमें अलग अलग नाम से है, और ये एक दिन में कम से कम 4-5 चूहा खा जाता है। तो आप महीने भर का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके खेत के पास कितना चूहे खाता होगा। मारना नहीं है, इन लोग को समझना। देखिए वो कैसे बेचारा, वो भी अभी घबराहट में है कि क्या हो रहा है, इधर उधर भागने की कोशिश में है। ठीक है, देखिए आप लोग का बहुत बहुत आभार है, दिखाओ सबको दिखाओ। तो आप लोग का सबका आभार है कि मारते नहीं है, ध्यान देते हैं, इसी तरह बचाइए और सहयोग कीजिए। ठीक है भैया। तो देखिए अभी हम लोग जो डिबोलगंज में जो टेंट का हाउस था, जो सांप पकड़ा था उसको यहाँ देखिए जंगल की तरफ आए हैं छोड़ने। अच्छा खासा यहाँ हरियाली है चारों तरफ, यहाँ इसके लिए अच्छा माहौल रहेगा। देखिए यहाँ छोड़ दे रहे हैं गाड़ी को। तो देखिए जो धामिन हम लोग ने पकड़ा था, ये देखिए यहाँ अच्छा खासा पानी बह रहा है। ये रहा देखिए हमारा धामिन, इसको छोड़ दे रहे हैं क्या भाई। वो देखिए, वो देखिए चला गया। तो देखिए अभी हमने खाना भी नहीं खाया, ये दोपहर का टाइम हो गया, अभी इसी चक्कर में है कि सांप को छोड़ लें उसके बाद खाना खाएं। तो आप लोग का बहुत बहुत आभार है, थैंक यू है। और देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए, वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रीन है, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, सन्नाटे वाला रास्ता है। ठीक है, थैंक यू।